जौनपुर के रहने वालों के लिए कोई संदेश है, उनको क्या करना चाहिए अपने जो वतन को आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा काम कर सकते हैं जौनपुर के, तरक्की करे जौनपुर? विभूतियां तो है जी, लेकिन उनके सोचने में बहुत कमी है जी। अगर वो सोच ले जी हमारी भलाई जो है, तो खैर रही हम तो जब तक हैं भलाई हमारी है जी। लेकिन उसके बाद क्या होगा जी। ये सोचे कि हम जो बच्चे हमारे आ रहे हैं उनके लिए हम क्या करके जा रहे हैं, अगर हम कुछ कर देंगे तो हम उन आने वाले बच्चों का भला हो जाएगा, इतने सोचने की आवश्यकता है जी जी। और जौनपुर से आपको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, तो आप जौनपुर को किस स्थान पर देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस स्थान पे पहुंचे जौनपुर? है तो बड़ी बात जौनपुर, अगर आज हमारा हमारा जनरल से ये कहा गया जब जो फतह किया उन्होंने हिंदुस्तान, जौनपुर ने दिल्ली को अपने कब्जे में किया जी, तो उसको बुलवाया जी जनरल को, चाहो हम तुमको जौनपुर का सुल्तान बना देंगे जी, हैं? तो लालच में आ गया और चला गया। तो जैसे ही महल के अंदर घुसता था घुसने के लिए, तो ऐसा बनाते थे कि यूं उग जाते थे अंदर, जैसे वो घुसा वैसे खत्म कर दिया जी जी, उसी वजह डाउनफॉल हो गया जी जी। नहीं तो आज जौनपुर राजधानी होती, अगर जौनपुर राजधानी बन गई होती तो देश का बहुत बड़ा भला होता, बड़ी इतराज जमीन, उपजाऊ जमीन, दिमाग के लोग एक ऐसे ऐसे थे यहाँ पर जो दुनिया में छा जाते जी जी। और छा रहे हैं समझा, लेकिन अफसोस है कि कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं था। और मैं अपनी छोटी सी जगह में जी, एक छोटे से अफसर होने के जगह पर हम क्या कर सकते थे? सही बात है, जो कुछ मेरे पास कमाई का पैसा था, उस वक्त तनख्वाहें क्या थी, लेकिन हमने सब लगा दिया किताब कापी के अंदर जी जी। तो आज तक मुझे वापस एक पैसा भी नहीं मिला, हमारा पैसा भी खत्म हो गया, वाइफ का पैसा भी खत्म हो गया जी जी। आज जरा सा लोगों की सोच बदल जाए, जौनपुर को आप लोग उठा दीजिए, यही हमारी इच्छा है आप लोगों से। धन्यवाद आपका, और बहुत